प्लेन इडली और ढोकला से तो ये लाख गुना ज्यादा टेस्टी और फ्लेवर से भरपूर है, जिसे हम धनिया और सूजी से बनाने वाले हैं, है ना एकदम कमाल का कॉम्बिनेशन। एक चम्मच तेल में बना हुआ हल्का फुल्का हेल्दी नाश्ता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप धनिया लिया है, फ्रेश धनिया है जिसे मैंने अच्छे से साफ करके फिर धोकर इसका जो डंठल है ना उसके साथ लिया है, क्योंकि डंठल में भी काफी फ्लेवर होता है। आप चाहो तो सिर्फ धनिया के पत्ते भी ले सकते हैं। अब ये जो एक कप धनिया है इसे हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। इसी में मैं आधा इंच अदरक और दो कटी हरी मिर्च डालूंगी। तीखा जो है आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे तो तीखा एकदम कम ही डालें। इसमें हम पाव कप के करीब पानी डालेंगे और इसे अब पीस लेते हैं। एकदम पतली सी पेस्ट बनकर रेडी है। कलर भी देखिए कितना प्यारा ग्रीन कलर आया है इसको। अब हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम एक कप सूजी यानी रवा डालेंगे। यहाँ जो हम सूजी लेने वाले हैं वो पतली वाली है यानी बारीक वाली सूजी है। अगर मोटी वाली सूजी है तो उसे ना आप मिक्सी में ग्राइंड करके ले। अब इसी में हम दो चम्मच दही डालेंगे। दही खट्टी हो तो ज्यादा अच्छा है, इससे हमारी जो रेसिपी है ना काफी सॉफ्ट बनेगी। तो दही को मैंने सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ज्यादा दही का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले यहाँ पे। अब इसमें हमने जो ये धनिया की पेस्ट बना के रखी थी, आप इसे चटनी भी बोल सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ स्वादानुसार नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि चटनी बनाते समय हमने नमक नहीं डाला था। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो रेसिपी है खाने में बहुत ही जबरदस्त लगती है और बनती भी जल्दी है। आप इसे बनाकर बच्चों को खुश कर सकते हैं। अभी ना ये जो बैटर है ना मुझे हल्का गाढ़ा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड करूंगी। मैंने जो मिक्सी का जार जिसमें मैंने ये चटनी पीसी थी ना उसी में मैंने पानी डाला है, जिससे क्या कोई भी चीज जो है वेस्ट नहीं जाएगी। हमें ना ये जो बैटर चाहिए ना ये इडली के बैटर की तरह होना चाहिए, इस तरह का सेमी थिक चाहिए, ना ज्यादा पतला होना चाहिए और ना जरूर से ज्यादा गाढ़ा। अब हमने इसमें सूजी यानी कि रवा डाला हुआ है, तो इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना जरूरी है, तो इसे ढक देते हैं और इसे रेस्ट करने देते हैं और आगे का प्रोसेस कर लेते हैं तब तक। तो यहाँ पर गैस पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे। बहुत ही कम तेल में ये रेसिपी बनती है, इसलिए मैंने कहा कि ये खाने में टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। आप चाहो तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे तेल हमारा गर्म हो गया हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा। दोनों अच्छे से स्प्लटर होने लगे हैं, तो इसी स्टेज में मैं यहाँ पे एक छोटा प्याज कटा हुआ डाल रही हूँ और इसे अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं ना तो आप बिना प्याज के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखी है। अब देखिए प्याज जो है हल्का भून चुका, हल्का सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। ध्यान रहे हमने बैटर में भी नमक डाला हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक हम कमी डालेंगे और इसी प्याज के साथ ना इसे अच्छे से भून लेंगे। टमाटर जो है अच्छा सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है प्याज है वो अच्छे से गल चुका है, तो इसमें अब हम कुछ पाउडर मसाला ऐड कर लेते हैं। तो जब भी पाउडर मसाला आप डालें तो गैस की जो फ्लेम है वो धीमी कर दे, क्योंकि मसाले हैं तो जल्दी जल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पाव छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और फाइनली मैं इसमें डालू एक चम्मच आमचूर। सारी चीजों को डालकर इन मसालों को भी अच्छे से भून लेते हैं। अगर आपके पास आमचूर ना हो तो आप यहाँ पे चाट मसाला या फिर नींबू का रस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से सोटे हो गई है। अब हम इसमें फाइनली दो उबले हुए और मैश किए हुए आलू डालेंगे और थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीजें जो है ऑलरेडी अच्छे से पक चुकी है, आलू भी उबला हुआ है तो ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, तो एक दो मिनट के लिए इसे अच्छे से सोटे कर लेते हैं, जिससे कि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर रेडी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं जिससे कि थोड़ी ठंडी हो जाए।
अब देखिए सब्जी भी ठंडी हो गई है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, हाथों को ना हल्का सा तेल लगा लिया है। अब हम इसके इस तरह के लंबे रोल बनाएंगे। इस सब्जी को आप चाहो तो सैंडविच में या फिर पराठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी खाने में ये टेस्टी है। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल मैंने 2 रोल बना लिए हैं। अब चलिए बैटर को चेक कर लेते हैं। तो सूजी भी हल्की फूल गई है और सॉफ्ट हो गई है। अगर आपको लगे कि बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो आप यहाँ पे थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं, पर अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ग्लास लिए हैं, क्योंकि आज हम जो रेसिपी बनाने वाले वो ग्लास में बनाने वाले हैं। अब जो ये ग्लास है इन्हें भी तेल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि जो हम रेसिपी बनाएंगे उसे आसानी से डीमोल्ड कर सकें। और इस तरह का जो ग्लास है स्टील का, वो हम सभी के घर पे होता ही है, ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ग्लास है वही वाला ग्लास है नॉर्मल। अब हम इसमें लगभग 1.5 चम्मच बैटर डालेंगे और इसे टैप कर लेंगे। अब जो हमने रोल बनाया था ना, वो इस तरह से बीच में रखेंगे और फिर जो बैटर है वो वापस इसके ऊपर डालेंगे और ये पूरे रोल को अच्छे से कोट कर लेंगे, कहीं से भी रोल नजर नहीं आना चाहिए। अब देखिए इसे मैंने अच्छे से भर दिया है, इसे एकदम हल्के हाथ से टैप कर रहा है, वरना अंदर का जो रोल है वो टूट भी सकता है। आपको लगेगा कि 2 ही ग्लास है, बहुत ही कम नाश्ता बनेगा, यकीन मानिए ये 2 ग्लास में लगभग 4 से 5 आदमी आराम से नाश्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास रेडी कर लिए हैं, अब इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पे मैंने ना एक बर्तन में 2 ग्लास पानी को गर्म करने रखा था, आप देख सकते हैं पानी अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो ग्लास है इसे इस तरह से रख देंगे, सेम प्रोसेस है ना आप कढ़ाई में कुकर में भी कर सकते हैं। अब इसे ढक देंगे और एक 15 मिनट के लिए इसी तरह अच्छे से मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे, तब तक हम वेट कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त लग रहा है ना, और देखिए कितना फूल भी गया है, पर ये बिल्कुल भी ग्लास से नीचे गिरा नहीं है, एकदम परफेक्ट बना हुआ है। ऊपर जो थोड़े से क्रैक आपको नजर आ रहे हैं ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो ये बैटर है ये अंदर तक अच्छे से पक चुका है, तो हमें अलग से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगे कि इस तरह का क्रैक नहीं आया तो आप टूथपिक या फिर छुरी से चेक कर सकते हैं, अगर बैटर आपको थोड़ा गीला लगे तो आप इसे 1-2 मिनट के लिए और स्टीम होने दें। बट फिलहाल मैंने जो ये बनाया वो अच्छे से पक चुका है, तो गैस को ऑफ करेंगे और ग्लास को जो है बाहर निकाल लेते हैं। अब ये काफी गर्म है तो इसे हल्का ठंडा होने देते हैं। अब देखिए ये जो है ग्लास ठंडा हो गया है, अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। ग्लास को इस तरह से उल्टा करेंगे, हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए बूम निकल के आ गया ना, बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है और खाने में तो जबरदस्त लगता है। बट मैं क्या करूंगी, इसे और थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने ना गैस पर एक पैन चढ़ाया है, इसमें ना एकदम जरा सा तेल डालेंगे, एकदम ना के बराबर हम तेल डालेंगे और इसमें एकदम चुटकी भर बोलिए इतनी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर हम इसे इस तरह से स्प्रेड कर देते। देखिए गैस का फ्लेम जो है मैंने एकदम धीमा रखा है। अब ये जो रोल है वो लेंगे और इसमें ना इसे इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे, चारों तरफ से ये अच्छे से लग जाना चाहिए। तो सेम वे में मैं दूसरे रोल को भी रेडी कर लेती हूँ, सेम प्रोसेस किया है मैंने। अब ये रोल बिल्कुल बन के रेडी है, तो अभी इसे इस तरह से तो हम खा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इसके ना पीसेस कट कर लेंगे और इस तरह से हमें राउंड शेप में इसे कट करना है। वाओ देखिए कितना अच्छा और जबरदस्त लग रहा है ना हमारा धनिया का ये रोल, स्टफिंग भी आप देख सकते हैं। बच्चे हो या फिर बड़े सभी इसे खाते हुए आपकी तारीफ करते हुए नहीं रुकेंगे। आप इस बहुत ही टेस्टी धनिया रोल को नाश्ते में जरूर बनाएं। और कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट बना है, जाली भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।